So hello and assalamu alaikum my wonderful people that are here, I am Simi, welcome back to my channel Blush with Simi. उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक और फिट फाट होंगे. टुडे इज़ अ फ्राइडे एंड फ्राइडे इज़ माई हेयर केयर डे. जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उन सबको ही बताया कि फ्राइडे को मैं अपना हेयर केयर डे सेलिब्रेट करती हूँ, अपने बालों की केयर करती हूँ. तो जनाब आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग सा मास्क प्रिपेयर करने लगी हूँ. बहुत झटपट सा मास्क है और आपके बालों को कर देगा बहुत ही खूबसूरत, यानी कि bomb.com आपके बालों के तमाम तरह प्रॉब्लम्स के लिए बहुत बेस्ट है. आपने इसको मंथ में सिर्फ 2 दफ़ा ही यूज़ करना है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना. बहुत कम और बहुत अच्छे से इंग्रेडिएंट्स हैं और सारे इंग्रेडिएंट्स आपके बालों के लिए बहुत बेस्ट हैं. तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो. सो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे वो इंग्रेडिएंट्स जिससे हम अपना मास्क प्रिपेयर करेंगे अपने बालों को बहुत ही खूबसूरत बनाने के लिए, शाइनी एंड बाउंसी बनाने के लिए. तो जनाब ये हैं वो इंग्रेडिएंट्स. ये है हमारे पास कलौंजी का पाउडर, जो मैंने कलौंजी थी उसको पाउडर बनाकर रखा हुआ होता है क्योंकि अक्सर मैं अपने हेयर्स के लिए अप्लाई करती हूँ. ये है मेरे पास राइस पाउडर, ये कलौंजी है तकरीबन 1 टेबल स्पून, राइस पाउडर है तकरीबन 2 टेबल स्पून. ये है हमारे पास हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर, यानी कि ये वाला हिबिस्कस फ्लावर आपको नज़र आ रहा होगा. ये है जनाब हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर है तकरीबन 2 टेबल स्पून, ठीक है. ये वाले इस तरह के, ये मैंने इस तरह के 2 टेबल स्पून हिबिस्कस फ्लावर ले लिए. ये है हमारे पास चिया सीड से अब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली वाकिफ़ हो ही चुकी है. उन सबको मैं इतनी दफ़ा बता चुकी हूँ ये स्किन के लिए और हेयर्स के लिए कितना बेस्ट है. जितना ही आपकी स्किन को खूबसूरत बनाता है, हेल्दी बनाता है, ग्लोई बनाता है, उतना ही आपके हेयर्स के लिए भी बहुत अमेजिंग है. साथ साथ है हमारे पास ये करी लीव्स, मैंने ड्राई करी लीव्स लिए हैं. ये मेरे पास फ्रेश थे, मैंने इनको कुछ टाइम के लिए सेव करने के लिए इसको ड्राई कर दिया था रूम टेम्परेचर पे ही. धूप में आप ड्राई नहीं किया करें. तो ये करी लीव्स हो गए, ये तकरीबन 15 to 20 लीव्स हैं इसके अंदर. ये सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सब आपके बालों के लिए बहुत बेस्ट हैं. आपके बालों के तमाम तरह प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, आपके डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए, आपके बालों को हेल्दी ग्लॉसी बनाने के लिए ये मास्क आपके बालों को हेल्दी और शाइनी भी बनाएगा. साथ साथ आपकी हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा, यानी जिन लोगों के बाल थिन हो चुके हैं, पतले हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, उनकी ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा और आपके बालों को खूबसूरत बनाने में बहुत हेल्पफुल रहेगा. तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए इसको किस तरह प्रिपेयर करना है. इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको सारे शो करा दिए हैं, कलौंजी का पाउडर, चावल का पाउडर, हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर, गुड़हल के फूल जो होते हैं उसका पाउडर है. ये है हमारे पास चिया सीड्स हमने लिए हैं 1 टेबल स्पून और तकरीबन 15 to 20 लीव्स हमने करी लीव्स के लिए, ठीक है फ्रेंड्स. अब इसको किस तरह प्रिपेयर करना है वो मैं आपको बताती हूँ. सो फ्रेंड्स, हमने एक पैन ले लिया, चूल्हे के ऊपर रख लिया. इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर पानी लेना है. पानी आपने फिल्टर वाटर लेना है, टैप वाटर नहीं लेना. टैप वाटर मैं इसलिए मना करती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के घरों में जो है हार्ड वाटर आता है, तो हार्ड वाटर बालों के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं टैप वाटर मना करती हूँ, ठीक है. अब ये जितने भी इंग्रीडियंट्स थे ना, ये 1 by 1 आपने सब इसके अंदर ऐड कर देना. सब इंग्रीडियंट्स एक साथ ही ऐड करना है, कोई परेशानी की बात नहीं है. आराम से सारे इंग्रीडियंट्स इसके अंदर आपने ऐड कर दिए. इसको करना है आपने अच्छा सा मिक्स. इसको हमने इतना पकाना है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स अपनी अच्छा सा इसके अंदर अपनी जो भी गुड क्वालिटीज़ हैं सब छोड़ दें और इस पानी के अंदर सारी गुड क्वालिटीज़ की आ जाए. और इसको अच्छा सा आपने, ये तकरीबन 1/2 लीटर पानी था, 1/2 लीटर पानी के अंदर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए. इसको इतना पकाना है कि सारे इंग्रेडिएंट्स पक जाएं और इसका पानी अच्छा सा ड्राई हो जाए. इतना ड्राई होना चाहिए कि इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी रहना चाहिए, यानी आधे ग्लास के करीब पानी, ठीक है. उसके बाद ये सारा थिक हो जाएगा और जब ये थिक हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी कि किस तरह है और फिर किस तरह आपने अपने बालों में इसको अप्लाई करना है. फ्रेंड्स, इस मास्क को आपने पहले हाई फ्लेम पे पकाना है जब तक कि इसमें अच्छा सा बॉयल आना ना लग जाए. जब हाई फ्लेम पे इसमें बॉयल आ जाएगा तो आपने मीडियम लो पे रख देना और उसका ढक्कन ढककर इसको कवर कर देना और थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको इस तरह आपने हिलाते जाना है ताकि जो भी आपने चीज़ें डाली हैं वो नीचे लगना चाहिए क्योंकि सब पाउडर फॉर्म में है तो वो नीचे लग सकती हैं, ठीक है फ्रेंड्स. इस तरह करके इसको पकाना है. सो ये देखें फ्रेंड्स, इसमें अब बॉयल आना शुरू हो गया. अब जब जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए आपने इसका फ्लेम मीडियम टू लो कर देना और मीडियम टू लो करके इसको पकने देना अच्छा सा और बार बार टाइम टू टाइम आपने इसके अंदर स्पून से इस तरह इसको हिलाते जाना है ताकि जो भी चीज़ें हैं वो नीचे बैठे ना, नीचे लगे ना, क्योंकि राइस भी पाउडर फॉर्म में है, कलौंजी भी पाउडर फॉर्म में है, ठीक है. तो इसलिए इसको आपने हिलाते जाना है और हिबिस्कस फ्लावर भी पाउडर फॉर्म में ही है, तो जब आप इसको हिलाते जाएंगे तो ये नीचे नहीं लगेगा. आपने इसको अच्छा सा पकाना है, पका के इसका डिकॉक्शन रेडी कर लेना है और इसको बहुत ज़्यादा घटा देना, तकरीबन 1/2 से भी कम. फिर इसको लगाने का तरीका मैं बताऊँगी कि इसको किस तरह लगाना है आपने. फ्रेंड्स, जब ये अच्छा सा पकने लग जाए और यानी थोड़ा सा आपको लगे कि अभी ये कम होना शुरू हो गया तो आप इसमें बीट रूट पाउडर डाल दें. ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालें, नहीं है तो आप नहीं डालें. मैं इसके अंदर 2 बड़े चम्मच बीट रूट पाउडर डालूँगी,
क्योंकि मुझे बीटरूट पाउडर बहुत अच्छा लगता है और बहुत सूट करता है मेरे बालों के लिए। ये बालों के कलर को डार्क भी करता है और आपके बालों के लिए बहुत बेस्ट होता है। इसके अंदर बहुत सारे विटामिंस होते हैं, स्पेशली विटामिन सी होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही अमेजिंग होता है। तो मैं तो इसके अंदर बीटरूट पाउडर ऐड करती हूँ, अगर आपके पास है तो ऐड कीजिए, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, ये देखिए ये पक्का रेडी हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा दूँ, ये इतना थिक हो गया, बिल्कुल गाढ़ा हो गया, ठीक है। ये देखिए आपने इसको इतना ही थिक रखना है क्योंकि जब ये थोड़ा ठंडा होगा ना तो ये और मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। इसको हम पहले ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसको हम छान लेंगे। अगर आपने छानना है तो छान लीजिए, छान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप में से कोई शिकायत ना करें मुझे कि सिम ये तो हमारे बालों में अटका रहेगा, ठीक है। इसको ठंडा करते हैं और ठंडा करके छान लेते हैं, छानने के बाद इसको लगाने का तरीका बताएंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तकरीबन बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा तो ये छानने से छनेगा नहीं, ठीक है। फ्रेंड्स, ये देखिए ये थोड़ा ठंडा हो गया और ठंडा होने के बाद मैंने सिप के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर लिया, ठीक है। मैं इसको ट्रांसफ़र करके और इसको सिप कर रही हूँ और सिप करने के बाद ये कुछ इस तरह का पेस्ट आपको मिल जाएगा। ये देखिए इसके अंदर ना ये पेस्ट जमा हो रहा है, इस तरह का पेस्ट ना आपको ये मिल जाएगा और ये पेस्ट आपने अपने बालों में लगाना है। अच्छा, अब आपने इसको किस तरह अप्लाई करना है मैं सिप करती जा रही हूँ, साथ साथ आपको बताती भी जा रही हूँ कि बहुत थिक सा पेस्ट होगा, बहुत आराम से मेहंदी की तरह आपके बालों में अप्लाई हो जाएगा। आपने अपने पूरे बालों में जड़ों में अच्छी तरीके से लगाना है, जड़ों से लेके बालों के सिरों तक अच्छा सा लगाना है और लगाकर तकरीबन एक घंटे के लिए आपने अपने बालों में इसको छोड़ देना है। ये आप महीने में सिर्फ दो दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये आपके बालों के लिए महीने में सिर्फ दो दफ़ा ही लगेगा और ये सफिशिएंट रहेगा आपके लिए, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। बड़े छोटे बच्चे सभी लगा सकते हैं इसको बहुत आराम से, सबके लिए बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देने वाला है, सबके लिए बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिलने वाला है सबको और ये बहुत अमेजिंग रहने वाला है। जब आप इसको अपने बालों में लगा लेंगे तो आपने अपने बालों में शावर कैप लाजमी पहनना है ताकि इसका जितना भी मॉइस्चर है वो आपके बालों में लॉक हो जाए। और एक घंटे के बाद आपने सिर्फ सिंपल पानी से अपना हेयर वॉश करना है, सिंपल पानी से आपने अपना हेयर वॉश करना है और शैम्पू नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर जो हमने हिबिस्कस फ्लावर डाले हैं, हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर डाला है, वो खुद एक बहुत अच्छा क्लेंजर है। हम शैम्पू इसलिए करते हैं ताकि हमारे बालों से डर्ट, पोल्यूशन और जो सीबम वगैरह होता है वो सारा निकल जाए। तो जो ये इसके अंदर हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर है वो आपके बालों को बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा, आपके बाल साफ़ हो जाएंगे। फिर आपने अपने बालों को ड्राई करना है और रात में सोने से पहले अपने बालों में बहुत अच्छा जम के हेयर ऑयलिंग करनी है। हेयर ऑयलिंग करने के बाद आपने ओवरनाइट हेयर ऑयल छोड़ना है अगर आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो दो घंटे के लिए हेयर ऑयलिंग कीजिए और उसके बाद आप शैम्पू कर लीजिए। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप तकरीबन ओवरनाइट इसको छोड़िए, हेयर ऑयल लगाकर हेयर ऑयल लगाइए और नेक्स्ट डे आप शैम्पू कीजिए, फिर देखिए कि इसका रिजल्ट आपको कितना अमेजिंग आता है। मैं वीडियो के एंड में अपने हेयर्स पे इसको अप्लाई कर लूँगी, अप्लाई करके सिर्फ जस्ट आपको बैक से अपना हेयर्स दिखाऊंगी कि मेरे हेयर्स पे ये मैंने अप्लाई किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पहले भी मुझे कमेंट्स आए थे कि आप ये आपने अपने हेयर्स में अप्लाई करके तो नहीं दिखाया। आप लोगों को सभी को पता है कि मैं अपना फेस शो नहीं कराती तो इसलिए मैं अपने हेयर्स में अप्लाई नहीं करती। हाँ, छोटी बेटी है उसको अप्लाई ज़रूर कर देती हूँ, लेकिन आज मैं उसको हेयर वॉश पहले करवा चुकी हूँ तो इसलिए मैं उसको ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकी। तो मैं अपने हेयर्स में पहले अप्लाई कर लूँगी और बैक से अपने हेयर्स दिखा दूँगी कि मैंने अपने हेयर्स में अप्लाई कर लिए हैं, बन बांध कर रेडी कर लूँगी, ठीक है। हेयर वॉश करने के बाद मैं आपको नहीं दिखा सकती, मैं अपना फेस अभी नहीं शो कराना चाहती तो इसलिए मैं अभी नहीं शो कराऊंगी। आप लोग इसके रिजल्ट्स आपको सिर्फ मैं बता सकती हूँ, अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट है, अगर आप बिलीव करते हैं तो इसको यूज़ कीजिए, इसको यूज़ कीजिए और इसके रिजल्ट देखिए। और अगर आप अच्छे लगते हैं तो उसका फीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट्स करके, कमेंट बॉक्स में आके। तो जनाब, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और रेमेडी अच्छी लगती है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिया करें, रेमेडी को लाइक कर दिया करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको उसके रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं। आप कमेंट्स करने में थोड़ी सी कंजूसी कर जाते हैं और कमेंट्स करके नहीं बताते, कमेंट्स किया करें ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि ये रेमेडीज़ और जो वीडियोज़ बनती हैं, जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ की जाती हैं, वो बहुत अमेजिंग होती हैं, ठीक है। टेस्ट की हुई होती हैं ये सब, मैं अपने ऊपर टेस्ट करती हूँ, अपनी बेटी के ऊपर टेस्ट करती हूँ और दो तीन लोगों पर टेस्ट करके फिर मैं आप लोगों को उसको बताती हूँ कि ये आप लोगों के लिए कितनी अमेजिंग है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए।